नमस्कार, दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए की बात करेंगे। 4 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की एक जजमेंट आई जिसमें ये कहा गया कि कंज्यूमर कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है जो जवाब फाइल करने का, किसी भी कंप्लेन के जवाब फाइल करने का टाइम पीरियड पहले से तय किया हुआ है, जो वो केवल 15 दिन बढ़ा सकता है। तो टोटल 30 दिन प्लस 15 दिन 45 दिन तक ही जवाब को अपने रिकॉर्ड पे ले सकती है। ये जजमेंट था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हीली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड और इसका साइटेशन है 2020-5 SCC 757। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इसलिए लिया चूँकि सेक्शन 13 कंज्यूमर एक्ट का, जिसमें केवल 30 दिन तक है जवाब फाइल करने का और किसी भी कंप्लेंट का, उसको फिर सेक्शन 38 में कोई भी कंज्यूमर कोर्ट केवल 15 दिन के लिए बढ़ा सकती है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि अब एक नया इशू आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या 45 दिन के बाद भी नेशनल कमीशन जवाब ले सकती है, चूंकि नेशनल कमीशन ने एक केस में जवाब 45 दिन के बाद फाइल किया गया तो उसको लेने से मना कर दिया था। ये केस था मेसर्स एसेस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आदित्य गर्ग, सिविल अपील नंबर 4085 2020, और ये ऑर्डर पास हुआ 17 दिसंबर 2020 को। ये दो जजेज बेंच का था। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 30 दिन का पीरियड जो एक्सपायर हो गया था 12 अगस्त 2020 को, और उसको एक्सटेंड करके अगर हम लेते हैं तो 27 अगस्त 2020 तक ही जवाब लिया जा सकता था, जिसको नेशनल कमीशन ने कंडोन करने बाद में, ये इसके बाद फाइल हुआ तो नेशनल कमीशन ने कंडोन करने से मना कर दिया और डिसमिस कर दिया उसके एप्लीकेशन, जो कंडेंशन ऑफ डिले का था उसको डिसमिस कर दिया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील को अलाउ कर दिया और कहा कि नहीं, नेशनल कमीशन को ऑन रिकॉर्ड लेना चाहिए, और उसने सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो पॉइंट रेज किया कि 26 मार्च 2020 को 3 जजेज के बेंच ने एक स्पेसिफिकली ऑर्डर पास किया था, सुओ मोटो अपने आप में कॉग्निजेंस लिया था कि जो डिफिकल्टीज आ रही हैं कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से जितने भी लिमिटेशंस हैं स्टेट्यूट में प्रोवाइड हैं, किसी लॉ में हैं, किसी कानून में हैं, और वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हो या स्टेट गवर्नमेंट का कानून हो या जनरल लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत हो, उसको बढ़ा दिया गया 15 मार्च 2020 से फर्दर ऑर्डर तक, उसी पेटीशन में कोई जो फर्दर ऑर्डर पास हो। अच्छा, एक बात बताऊं कि तरुण बेदी जी हैं मेरे एक दोस्त, वकील हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस मुझसे पूछे इस कमर्शियल कोर्ट एक्ट से, और उसके जवाब को नहीं लिया गया, उनके केस में एक जवाब उन्होंने फाइल किया डिले की वजह से तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो उनके साथ, उनको मैं जब डिस्कस कर रहा था तो फिर मैंने कहा कि इस पॉइंट पर मैं एक स्पेसिफिक डिस्कशन ही कर लूँ अपने वीडियो के जरिए अपने व्यूअर से। सुप्रीम कोर्ट ने, एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वो लिमिटेशंस के पीरियड को जो स्टेट्यूट में दिया गया है उसको जो सुओ मोटो लेकर बढ़ा दिया, वो किस प्रोविजन के तहत किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 141 और 142 में जो पावर इनहेरेंट है उसके पास, जो उसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसके तहत किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ डिक्लेयर करती है, कोई लॉ बना, कोई ऑर्डर पास करती है, तो आर्टिकल 141 की तरह के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के अंदर ये सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अथॉरिटीज़ पे बाइंडिंग होती है। एक इंटरेस्टिंग स्टेज आया इसी पिटीशन में, सुओ मोटो पिटीशन, जो रिट पिटीशन में जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ था, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो अपने कॉग्निजेंस लिया था, वो 6 मई 2020 को, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस आए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से जुड़े हुए थे, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा इन एप्लीकेशंस में था कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का टाइम पीरियड फिक्स है उसको बढ़ाने की बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 मई 2020 के ऑर्डर में इन दोनों लॉ में जो भी लिमिटेशंस दिए गए हैं उनको भी 15 मार्च से
15 मार्च 2020 से फर्दर ऑर्डर तक एक्सटेंड कर लिया। हालांकि इसमें एक बात और भी कही गई कि जहां लिमिटेशन एक्सपायर 15 मार्च 2020 के बाद होता है और वहां लॉकडाउन खुल जाता है और कोर्टें वर्किंग करने लगती हैं, तो 15 दिन के बाद ये लिमिटेशन एक्सपायर होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेज आया इसी पिटीशन में 10 जुलाई 2020 को, जब अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट किया कि और सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन के लिए कि जो 23 मार्च का डायरेक्शन है वो सेक्शन 29A जो आर्बिट्रल अवार्ड पास करने का टाइम पीरियड फिक्स करता है और सेक्शन 23 के तहत जो प्लीडिंग कंप्लीट करने का टाइम पीरियड फिक्स करता है इसको भी बढ़ा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी बढ़ा दिया कि जो भी टाइम पीरियड सेक्शन 23 के तहत प्लीडिंग कंप्लीशन का है वो भी फर्दर ऑर्डर तक बढ़ा रहेगा। फिर एक एप्लीकेशन आई इसी केस में कि जो प्री इंस्टीट्यूशन और मेडिएशन एंड सेटलमेंट अंडर सेक्शन 12A ऑफ कमर्शियल एक्ट है उसमें जो टाइम पीरियड फिक्स है प्री लिटिगेशन के, लिटिगेशन शुरू करने के पहले मेडिएशन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने का, उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया और ये भी टिल फर्दर ऑर्डर तक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक और एप्लीकेशन फाइल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता तब तक जितने भी सर्विसेज हैं, नोटिस है, समन है, उसको सर्व करने का जरिया इलेक्ट्रॉनिक जरिया कर दिया जाए, चाहे ईमेल के जरिए, इवन कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इस तरह के जो व्हाट्सएप मैसेज, जो इस तरह के शॉर्ट मैसेजिंग फैसिलिटीज हैं इनको भी इस्तेमाल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कह दिया कि ये जितने भी सर्विसेज और समन हैं वो सब इस जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से भी हो सकता है, लेकिन जहाँ केवल व्हाट्सएप से भेजा जा रहा है या टेलीग्राम से भेजा जा रहा है वहाँ पार्टी के सामने ये भी होगा कि वो ईमेल से उसी दिन ईमेल से भी सर्विस कराए। तो इस तरीके से उन्होंने जो पूरी समनिंग प्रोसेस को, नोटिस भेजने के प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया। अब एक एप्लीकेशन फिर इसी पिटीशन में आती है, उसमें ये कहा जाता है कि जो चेक की वैलिडिटी है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जो 3 महीने की वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा स्टैट्यूट नहीं है, कोई कानून नहीं है जहां पे इस चेक की वैलिडिटी को डिफाइन किया गया हो 3 महीने का। ये जो काम करती है वो आरबीआई करती है, उस आरबीआई सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उसके पास पावर है, डिस्क्रिशन है वो टाइम पीरियड फिक्स करने का, तो अपने उस पावर को इस्तेमाल करके आरबीआई फिक्स करती है। तो कोर्ट का ये कहना था कि ये आरबीआई के डिस्क्रिशन पे है और ये उसके विजडम पे ही छोड़ दिया जाए, उन्होंने इसको इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया और चेक के वैलिडिटी पीरियड को नहीं बढ़ाया। 18 सितंबर 2020 को एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है, वो एक सेपरेट केस है बट इस लिमिटेशन वाले इशू से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें क्या होता है कि एक एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में और वहाँ अपील फाइल करने का पीरियड जो था वो 18 मार्च 2020 तक था, उसके बाद वो फाइल होता है और साथ में कॉन्डोनेशन और डिले की एप्लीकेशन जाती है। कोर्ट ने कहा, जब एनसीएलटी ने अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके डिले को कॉन्डोन नहीं किया तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में उनका सोल आर्गुमेंट यही था कि जो 23 मार्च 2020 को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल को डिले को कॉन्डोन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जो 26 मार्च का ऑर्डर है वो स्टैट्यूट में कोई अगर लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है तो उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको उस ऑर्डर का किसी भी कोर्ट के या किसी भी अथॉरिटी के ट्रिब्यूनल के उसके डिस्क्रिशन को, जिसके जिस डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके वो डिले कॉन्डोन करती है उस पर कोई प्रभाव नहीं है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही यहां पर कि ये पूरा टाइम पीरियड जो उसके पास था अपील करने का, उसके निकल जाने का उसने वेट किया, ठीक है। तो जो एक कोई भी पार्टी जो अपने राइट पे विजिलेंट नहीं होती, चौकन्ना नहीं होती, उसको फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता।
एक और इम्पॉर्टेंट केस आया इसी मुद्दे को लेकर, लिमिटेशन को लेकर, वो ये था कि एक केस में ये कहा गया कि अगर 167 के तहत जो टाइम पीरियड फिक्स है, 167 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो टाइम पीरियड फिक्स है उसको लेकर जो एक उसको भी वो फायदा मिलना चाहिए इस लिमिटेशन के एक्सटेंड करने का, और प्रोजेक्यूशन को टाइम मिलना चाहिए लिटिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने का। और ये केस था 3 जजेस बेंच का केस था, और इसमें जो ऑर्डर पास हुआ इसमें जो 3 जजेस थे वो जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कॉल और जस्टिस एम आर शाह थे। और ऑर्डर जो पास हुआ वो उसमें ये कहा गया कि पर्सनल राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है, और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करती है स्पेसिफाइड पीरियड में, 60 दिन और 90 दिन का जो पीरियड होता है, या किसी स्पेशल स्टैट्यूट में कोई और टाइम पीरियड फिक्स है, तो एक्यूज्ड को एक राइट एक्रू होता है कि वो डिफॉल्ट बेल के लिए जा सकता है। तो अगर इस उस पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा, अगर इन्वेस्टिगेशन के पीरियड को अगर एक्सटेंड किया जाता है, तो उसके एक्यूज के एक वैल्यूएबल राइट जो पर्सनल लिबर्टी का है उसको उस पर एक तरीके से आघात होगा। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से जो ये लिमिटेशन वाले केसेस थे वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरीके से प्रोसीड किए, और इतने सारे जजमेंट्स जो रेलिवेंट थे मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपने मेरे साथ पूरे वीडियो में आपने देखा कैसे लिमिटेशन पीरियड को सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया, और बहुत सही भी था, चूँकि कोरोना की वजह से बहुत डिफ़िकल्टी आ गई है, चाहे वो लिटिगेंट हो या लॉयर हो, दोनों के लिए, और वो उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।